आई हाँ इज सर बन जाएगा, स्ट्रेट आई लाइन इज बनेगा और एक इंटरसेप्ट आएगा। आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो अगर ये लेते हैं एल एन आई, तो ये तो हो जाएगा एल एन आई नॉट प्लस एल एन वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ी ओपन कर देंगे, इसको ऐसे थोड़ी नहीं ओपन सर, कर देंगे पहले ब्रैकेट ओपन करके फिर से एलएन अप्लाई करेंगे तो। तो भी नहीं होगा ना। एल एन पहले से ब्रैकेट ओपन कर दो, हाँ तब नहीं होगा। हाँ सर, ये एल एन वाला ग्राफ नहीं हो पाएगा। खाली पावर को निकाल दो। हाँ, वो वैल्यूज नॉन लिनियर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा भाई। ठीक है, सिद्धि प्रिया बोल रहा था, मैं भी तो यही बोल रहा था, सब पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। आई नॉट ई टू द पावर माइनस डी बाई टाउ। हाँ सर, ई वाला एक्सप्रेशन जब भी मैं देखता हूँ पता चल जाता है मेरी औकात नहीं है। ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा ये बुरा मान गए, ए माइनस बी, ये ब्रैकेट थोड़ी ओपन दिल कर पे ले लेंगे। लेता हूँ भाई। एल एन की प्रॉपर्टी ये नहीं है, एल एन की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं है कि एल एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी, ऐसा जो है कुछ नहीं है, नहीं किसी हाँ में वो नहीं है। डिवीजन में हो गया सर, ये हाँ सब सर, तो वो डिवाइड इसमें ऑपरेशन ग्राफ ऐसा डिवाइड। नहीं, ऐसा ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, वो नॉन लीनियर टाइप का वह नहीं आएगा, तब तो नहीं आएगा। यस वी सर। वी एल अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लिखते हैं, करंट का एक्सप्रेशन हमने लिख लिया था, करंट का एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू, तो एल आर सर्किट ही था, एल आर सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन आया था, करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, आर बाई एल नहीं है, एल बाई आर। हाँ सर, तो यहाँ पे अगर वी एल, ये था हमारा सर्किट, इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस, बैटरी टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज हुई थी, करंट जीरो था, तो इसके अक्रॉस करंट जीरो है और ये है वी एल और ये है वी आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू एल हाँ डी आई सर, बाई डी टी। तो एल है डी आई बाई डी टी, अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आई नॉट, आई नॉट थी मैक्सिमम करंट जो कि है ई बाई आर, ई एम एफ बाई रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस से कोई मतलब नहीं है, डी आई बाई डी टी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। आई नॉट माइनस ऑफ माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस वन बाई टाउ, ये होगा डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, फिर टी का जो कोफिशियंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी के कोफिशियंट से माइनस वन बाई टाउ है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये है टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से एल बाई आर, तो यहाँ पे एल आई नॉट डिवाइडेड बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ की वैल्यू पुट करेंगे एल बाई आर, तो ये ऊपर जाएगा आई नॉट इंटू आर, ये सब कुछ जो है ई एम एफ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एल इज इक्वल टू ई एम एफ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। डिक्रीजिंग। तो ये एक्सपोनेंशियली जो है डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, यस सर। और करंट जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। तो हमें ये पता है कि अगर मान लो वी आर फाइंड करना है, तो वी आर के लिए सिर्फ आई इंटू आर कर देंगे, आई का वो एक्सप्रेशन है, तो ये हो जाएगा ई वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ऐसे होगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वही कंडीशन जो पहले मिल रही थी वही मिल जाएगी, कि दोनों ई e के इक्वल होगा हर इंस्टेंट पे, क्योंकि ये तो केवीएल से लिखा था, केवीएल से स्टार्टिंग में ही लिखा था कि जितना हम अप्लाई करेंगे ईएमएफ वो किसी भी इंस्टेंट पे, अप्लाइड अगर 10 है तो किसी मोमेंट पे, यहाँ 1 है तो वहाँ 9 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 8 होगा, तो वही डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा दोनों एलिमेंट के अक्रॉस। इनिशियली वी आर जीरो होगा और वी एल मैक्सिमम होगा, और धीरे धीरे जो है वी एल जीरो हो जाएगा,
और वी आर जो है ई के बराबर हो जाएगा। तो अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करना हो तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा वी आर और डिक्रीजिंग हो जाएगा वी एल। तो यहाँ पे मान लिया टोटल अप्लाइड है ये जो ई के इक्वल है, तो ये आएगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वी आर, इंक्रीज करते करते फाइनली जो है ऐसे ई को टच करेगा। तो इसमें से पहले तो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है वी आर, ये है वी एल, वी एल ये पॉइंट कहां पे होगा जहां पे दोनों इक्वल होंगे, ये पॉइंट यहां पे होगा, इसको इक्वेट करके किसी भी मोमेंट पे ये है वी एल, वी एल, और ये है उसी मोमेंट पे ये है वी आर, वी आर। टोटल ई के इक्वल है मतलब ये गैप भी क्या होना चाहिए, वी एल के इक्वल होना चाहिए, वी एल के इक्वल। तो ये वी आर प्लस वी एल हुआ, यहाँ जहाँ पे दोनों ही इक्वल होंगे वहां से उसकी वैल्यू क्या टाउ एल एन टू आएगी। यहाँ से अगर जिस मोमेंट पे वी एल इज इक्वल टू वी आर है तो ये है ई। तो ये फन फैक्ट की तरह से याद रखना है, वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये ई और ई कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू वन बाई टू, ये टू होगा, ये हो जाएगा वन बाई टू। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर प्लस टी बाई टाउ, टी बाई टाउ इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से जो टाइम आएगा दिस टाइम इज इक्वल टू टाउ एल एन टू। तो ये टाइम जो है वो हो जाएगा टाउ एल एन टू, टाउ एल एन टू। अब यहां से अगर इंडक्टर में देखोगे तो इंडक्टर में करंट जीरो है, जीरो से वो इंक्रीज हो रही है और उसका वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम से डिक्रीज हो रहा है। तो करंट इंक्रीजिंग है, वोल्टेज डिक्रीजिंग है, तो किसी मोमेंट पे पावर जो होगा, पावर, पावर अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पावर का मतलब क्या है कि वो एनर्जी का स्टोरेज कर रहा है। इंडक्टर क्या एनर्जी का लॉस करता है, इंडक्टर एनर्जी का लॉस नहीं करता है, लॉस कौन करता है, लॉस सिर्फ रजिस्टर करता है। तो वहां पे क्या है कि वो पावर का मतलब वहां पे है स्टोरेज। अगर वही हम पावर अक्रॉस रजिस्टर फाइंड करते, आई स्क्वायर आर फाइंड करते, तो वो पावर होता रेट ऑफ हीट लॉस, और पावर अक्रॉस इंडक्टर फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज। तो अगर कोई पूछ देता है ऐसे गलती से कभी कि फाइंड द टाइम, कैपेसिटर में, हाँ कैपेसिटर में, कैपेसिटर में हीट लॉस होता था, कैपेसिटर में अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो वो कैपेसिटर में, कैपेसिटर में लॉस नहीं, कैपेसिटर में लॉस नहीं, वो बाकी जगह पे लॉस हो रहा है, टोटल एनर्जी लॉस है उस कनेक्शन के प्रोसेस में, हीट लॉस, ठीक है। तो वो लॉस भी क्यों हो रहा है, वो लॉस भी जो है जो सर्किट में रजिस्टर वजिस्टर है या जो कनेक्शन में हमारे स्पार्क है वो सब में लॉस हो रहा है। कैपेसिटर एज ए डिवाइस क्या है, कैपेसिटर एज ए डिवाइस कुछ ना कुछ एनर्जी को स्टोर कर रहा है। सर वो पहले जो बोले वॉइस कट गया सर, कुछ नहीं सुना। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये पावर जो है, पावर हमें फाइंड करना है, पावर अक्रॉस इंडक्टर। तो पावर अक्रॉस इंडक्टर हम पहले लिख लेते हैं, व्हाट इज द पावर अक्रॉस इंडक्टर, पावर, पावर अक्रॉस इंडक्टर, तो वो हो जाएगा करंट अक्रॉस इंडक्टर इनटू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। करंट अक्रॉस इंडक्टर किसी भी मोमेंट पे है आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो है ई इंटू, ई इंटू, ये देखो जो इक्वेशन लिखा है, ई इंटू टी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ई इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो ये आई इंटू ई। तो ये जो पावर है वो हो जाएगा ई इंटू आई नॉट, ई इंटू आई नॉट, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ और वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हो जाएगा पावर अक्रॉस इंडक्टर।
अब ये टर्म जो है इसको I नॉट क्या है, I नॉट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कितनी है E बाई आर है, तो ये पी एल ऐसे लिख दोगे E स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर E टू द पावर माइनस टी बाई डब्ल्यू। अब इस पावर का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस पावर का मतलब क्या है कि इंडक्टर इस रेट से एनर्जी स्टोर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी इंस्टेंट पे जो इंडक्टर का पावर है उस पावर का मतलब क्या है कि इस रेट से वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, वो एनर्जी इंडक्टर कोई भी लॉस नहीं कर रहा। लॉस कौन करता है, अगर करंट फ्लो होती है तो सिर्फ रजिस्टर जो एनर्जी आई स्क्वायर आर रजिस्टर वो हीट के फॉर्म में वो डिसिपेट करता है। तो इसको ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड द टाइम व्हेन रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इज मैक्सिमम, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इज मैक्सिमम मतलब क्या है कि उसका पावर मैक्सिमम। तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज ये जो है रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज भी है, भूल जाओ तो याद करने के लिए रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज वो एनर्जी किसमें स्टोर हो रही है, वो एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैक्सिमाइज करना है तो कैपेसिटर में भी ऐसे फंक्शन को मैक्सिमाइज किया था तो कि कभी भी अगर दो फंक्शन का सम कांस्टेंट है, यहाँ पे ए अगर हम इसको ए लेते हैं और ये जो है बी लेते हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू तो वो मैक्सिमम तभी होगा, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब ए बी वन बाई टू हो और बी बी वन बाई टू हो, बी जो है वो भी वन बाई हाफ पे नहीं है तो हम डिफरेंशिएट करके कर ही सकते हैं। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये हो जाएगा वन बाई टू वन बाई टू, तो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू वन बाई टू का मतलब अभी पहले जो आया था वही चीज आएगी यहाँ पे, जैसे ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ जो वन बाई टू आया था तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा टी इज इक्वल टू टाउ एल एन टू। मतलब ये जो टाइम है वो टाइम बहुत खास है कि ये जो ग्राफ में ये पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे एनर्जी स्टोरेज अक्रॉस इंडक्टर वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। अगर कोई हाँ सर, जो बोले स्टोरेज होता है इन मैग्नेटिक फील्ड उसका मतलब क्या है, जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है एनर्जी किस में किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब वो कहाँ पे है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही तो स्टोर हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कर रहा है इनसाइड में, पूरे वॉल्यूम में एनर्जी डेंसिटी है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, तो इसीलिए जो एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर वो किस फॉर्म में करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। कैपेसिटर किस फॉर्म में करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। यस सर, यही टाइम इसी में दूसरे तरीके से इसको ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द टाइम व्हेन रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी हीट लॉस इन द रजिस्टर, रेट ऑफ फाइंड द टाइम ऐसा आ जाए कि फाइंड टाइम व्हेन रेट ऑफ एनर्जी लॉस या रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन रजिस्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर एल। ये दोनों क्वांटिटी कब सेम होंगे, तो भाई अगर पावर ये देखना है तो आई इन टू वी एल यही तो हो जाएगा, किसी मोमेंट पे दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आई इंटू वी एल पोटेंशियल ड्रॉप उसका और आई इंटू वी आर, यही तो होता है पावर का बेसिक फॉर्मूला करंट इंटू वोल्टेज। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों में किसी मोमेंट पे करंट तो सेम ही होगा, दोनों में करंट तो सेम ही है हर इंस्टेंट पे, जो भी करंट फ्लो होगी दोनों में होगी। इसका मतलब क्या है कि जिस मोमेंट पे वी एल इज इक्वल टू वी आर होगा उसी टाइम पे जो है दोनों के एनर्जी स्टोरेज या दोनों के पावर सेम होंगे। तो ये तो इक्वेट करके हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसका आंसर क्या है, टी इज इक्वल टू टाउ एल एन टू एल एन टाउ एल एन टू। तो टाउ एल एन टू बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एक ही चीज हो रही है वहां पे, कई सारी चीजें हो रही है, एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर में मैक्सिमम है, वो एनर्जी स्टोरेज रजिस्टर के बराबर है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो ये ग्राफ में दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही वाला पॉइंट है। तो कई सारी चीजें इस टाइम से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई सीरीज हो गया या ग्रोथ ऑफ करंट हो गई, करंट बढ़ गई मैक्सिमम तक जा चुकी है, मैक्सिमम तक जाने के बाद फिर मिनिमम
डिक्रीज करेगा जिसको हम बोल देंगे डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट डिस्चार्ज। हाँ सर, आपने वो सिग्निफिकेंस क्या बोला कि पावर जो मैक्सिमम हो रहा है उसके साथ बराबर आ रहा है, क्यों? पावर पावर जो मैक्सिमम हो रहा है वही टाइम सेम टाइम आ रहा है ना जिसमें दोनों इक्वल हो रहे हैं, कि मतलब इसी टाइम पे इस टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि दोनों के पावर इक्वल हैं, दोनों का वोल्टेज इक्वल है और इंडक्टर में उसी इंस्टेंट पे पावर एनर्जी स्टोरेज भी मैक्सिमम है। तो टाउ एल एन टू जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ में वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी वही है। ठीक है, डीके ऑफ करंट, करंट का जो है डीके हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों होगी, कि कैसे? किसी भी मैकेनिज्म से, मान लो हमने इंडक्टर में जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्विच की पोजीशन इधर उधर चेंज की थी, जैसे मान लो यहाँ पे स्विच की पोजीशन चेंज की थी, ये है जो क्वेश्चन लिया था यहाँ पे, तो नहीं पिछले क्लास में दो सर्किट था, दो सर्किट में S1 S2 किया था, तो वैसा ही कुछ सिचुएशन है। हमने ऐसा किया कि एक बार सर्किट में इसमें इंडक्टर में मैक्सिमम करंट सेट हो गई, मैक्सिमम करंट सेट होने के बाद उसको क्या किया, किसी दूसरे सर्किट से कनेक्ट कर दिया जिसमें बैटरी है ही नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, ऐसा है। तो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दिमाग में कि सर ऐसे कैसे कि मैक्सिमम करंट से कैसे कोई चीज स्टार्ट कर सकती है। तो ये इंडक्टर किसी पहले सर्किट का पार्ट था, जैसे ये पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे मान लो हमने बैटरी ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर कनेक्टेड था, यहाँ पे स्विच S1 बनाया था और इधर जो है सिर्फ रेजिस्टेंस ऐसे डाल दिया और यहाँ पे जो स्विच S2 है ये पे क्लोज किया, अब इसमें करंट सेट हो गई, उसके बाद इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो जो करंट यहाँ पे मैक्सिमम करंट है वो इधर से ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू आएगा और रेजिस्टेंस जो है वो हीट जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, तो एनर्जी का लॉस करेगा तो ये करंट धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, तो डिक्रीज होती जाएगी, तो किसी टाइम टी पे, इस टाइम टी पे करंट आई, इस टाइम टी पे करंट आई और रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल, तो ये तो मैक्सिमम करंट है टी इक्वल जीरो पे, टी इक्वल जीरो पे किसी मोमेंट की करंट है। यहां से केवीएल लिख लेना है, केवीएल लिख लिया क्या, ए से स्टार्ट, अक्रॉस इंडक्टर करंट के डायरेक्शन जाते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी क्या हो भाई नितिन, ज्यादा हो गया ओवरडोज सर, डोज ज्यादा ले लिया है, डकार पे डकार लिए पड़े हो तुम? नहीं सर माइनस सर वो बोल क्या वक्त, ये यहाँ से आई रेजिस्टेंस इसके क्रॉस जा रहा है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर, पहुंच गए पॉइंट ए, ए और ए हुआ कैंसिल, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर इसको ध्यान, हाँ इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वी एल है और ये जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है। कहोगे सर माइनस तो पहले नहीं आता था, यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? इस केस में करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, ये हम सेंस कर पा रहे हैं कि टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, मतलब डी आई बाई डी टी जो टर्म है वो अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। डी आई बाई डी टी माइनस डी आई बाई डी टी 2 एम्पियर पर सेकेंड होगा, 2 एम्पियर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रहा है, तो डी आई बाई डी टी का जो टर्म है वो माइनस है, तो ये माइनस जो इक्वेशन में वो क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, कि मतलब डी आई बाई डी टी अगर माइनस 1 है, इंडक्टेंस 2 हेनरी है, तो इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू माइनस माइनस 1 और एक और माइनस है तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट, मतलब जो वोल्टेज है वो वोल्टेज एक पॉजिटिव टर्म आएगा, ये वोल्टेज एक आएगा और ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा। लो भाई ये अलग दर्शन दे रहे हैं क्या भाई सिद्धि प्रिया, सोफा ऊपर लगा लो है सेवक दो चार लग जाए ये पिकनिक में बैठे हुए तो ये है इसका VL is equal to VR, VL is equal to VR, इसको
इक्वेट कर दिया, अब इसमें करंट का फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, करंट का फंक्शन डी आई बाई डी टी, डी आई और नहीं तो दुनिया में विरोध चल रहा है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, यहाँ जो है लोटे पड़े हैं क्लास में तो ये आर बाई एल, तो t इज इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे करंट क्या है, करंट मैक्सिमम है, t इज इक्वल टू t पे करंट कुछ है I. ये ln i कर ln देंगे, ln i लिमिट्स पुट करेंगे तो ये i ln i बाई i नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, तो माइनस आर टी बाई एल, तो यहां से जो करंट की वैल्यू है i इज इक्वल टू i नॉट e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ये करंट जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, इसी को टाउ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एल बाई आर इज द टाउ, तो सेम फॉर्मेट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई माइनस टी टाउ, माइनस टी बाई टाउ। तो करंट का ग्राफ अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो कि आई का ग्राफ ड्रॉ करना है, आई वर्सेज टाइम टी, आई वर्सेज टाइम टी, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ है, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा ऐसे। और वही अगर ln i का ग्राफ ड्रॉ करना है, ln i, तो यहाँ पे हो जाएगा ln i नॉट प्लस ln e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, तो ये जो है ln e, ये स्ट्रेट लाइन डिक्रीज, ये ln i वही ग्रोथ ऑफ नेगेटिव स्लोप, ln i माइनस t बाई टाउ, t बाई टाउ हो जाएगा, ln e जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये है y एक्सिस पे, अगर लेंगे ये जो है ये y एक्सिस पे है और ये x एक्सिस पे है, ये चीज y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टाइम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, तो ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा और ये m की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, माइनस m की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टाउ, तो इस टाइप का ग्राफ होगा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे ln i वर्सेस टाइम का ग्राफ नेगेटिव, तो हाँ ये नेगेटिव स्लोप की लाइन होगी, नेगेटिव स्लोप की लाइन होगी ऐसे। इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, वहां से टाइम आ जाएगा, उसके बाद भी ऐसे होता ही रहेगा, कुछ टाइम तो अनंत काल तक जा रहा है, तो ये ऐसे होता जाएगा टीन फिफ्टी तक ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो है टाउ एल एन आई नॉट, टाउ एल एन आई नॉट, एल एन आई की वैल्यू जीरो है, यहाँ जीरो पुट कर दिया, टी इज इक्वल टू टाउ एल एन आई नॉट, ये हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये ग्राफ हो जाएगा एल एन आई वर्सेस टी। तब ये इक्वेशन जानते रहोगे, ग्राफ एग्जाम में ऐसा आ जाएगा कि एल एन आई वर्सेस टी ड्यूरिंग डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एल एन आई वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ऐसे लिख देना है। सेम टाइप का ग्राफ नेगेटिव क्यों होगा, स्लोप यहाँ पे माइनस वन बाई टाउ है, यहाँ पे वाह y is equal to mx plus c से कंपेयर करोगे, mx plus c, तो ये इंटरसेप्ट है पॉजिटिव और स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे माइनस वन बाई टाउ है, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन जो है नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड होगी। ऐसा ही ग्राफ एग्जैक्टली रेडियो एक्टिविटी में भी हमें मिलेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है, शायद केमिकल काइनेटिक्स अगर पढ़ लिए होगे, तो वहाँ पे n is equal to n not n not e to the power minus t by tau, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यस सर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर एलएन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में वही है, तो वीएल वीआर किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम लिखेंगे तो दोनों तो सेम ही है, तो वीएल जो है और वीआर जो है वो दोनों सेम है, तो आई इंटू आर ही होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई नॉट आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ऐसा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा, यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो ये वोल्टेज आर का भी ग्राफ यही है, एल का भी ग्राफ यही है, सेम, दोनों सेम ही है, दोनों इक्वली हर इंस्टेंट पे,
तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। टोटल हीट लॉस, टोटल हीट लॉस फिर से वही एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे अगर फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा आई स्क्वायर आर का इंटीग्रेशन। टोटल हीट लॉस किसी इंस्टेंट पे आई वेरिएबल है तो आई स्क्वायर आर उस इंस्टेंट का पावर हुआ, डी टी टाइम में हुआ उतना हीट लॉस, टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो टू इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा इक्वल हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के। जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उतना ही इन रजिस्टर के अक्रॉस लॉस होगा। तो ये लिख सकते हैं हम फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, जैसे कैपेसिटर के डीके वाले में भी था कि मैक्सिमम चार्ज करके रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा। तो जो टोटल हीट लॉस अक्रॉस रजिस्टर होगा दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सेम चीज यहाँ पे भी है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर, जैसे वहां पे आया हाफ सी वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हीट लॉस। yes, एनर्जी कंजर्वेशन से इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया भाई हमारे डीके ऑफ करंट उसके ग्राफ। बोलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, आवाज के फोटो भी आ रहा है सर, वीएल इक्वल वीडियो भी चल रहा है। बोलो। हाँ सर, वो जो वीएल इक्वल टू वीआर हुआ है क्योंकि जितना लॉस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है रजिस्टर में। ना ना, रजिस्टर में गेन कहाँ हो रहा है, जहाँ जितना जितना इसमें इंडक्टर में लॉस हो रहा है उतना रजिस्टर के थ्रू ही लॉस हो रहा है। मतलब इंडक्टर के एनर्जी के जो लॉस हुआ वही लॉस इसके अक्रॉस हुआ। VL is equal to VR तो ऐसे यहां से फर्स्ट इक्वेशन से आया, ये जो लिखा, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड हैं, ए और बी जो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, जो ए का पोटेंशियल होगा वही और कुछ बी का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेंगे दोनों किसी भी मोमेंट पे, ठीक है जी। चलो भाई, तो ये तो गए डीके ऑफ करंट। अब जनरल अगर कोई सर्किट है, जनरल सर्किट में हमारा सेम टाइप का जो ट्रिक बोल सकते हैं, सेम टाइप का अप्रोच, सनसनीखेज, इसमें यूट्यूब पे मिल जाएगा सनसनीखेज तरीका एलआर सर्किट को सॉल्व करने का। कोई भी एलआर सर्किट सॉल्व करें तो दो सेकंड में सॉल्व करें। जैसे जैसे मान लो जो स्टार्टिंग में हमने लिया था, स्टार्टिंग में एल आर, ये एल आर, तो स्टार्टिंग में हमने सर्किट लिया था उसी में अभी मान लो हमें करंट लिखना है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, इस ब्रांच में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखना है कि यहाँ पे करंट है एल आर सर्किट, यहाँ पे ये इसमें जो है करंट का फंक्शन लिखना है आर आर और आर है। तो बेसिक अप्रोच सेम है कि जनरल जो फॉर्मेट होगा इसमें करंट का वो हमेशा होगा, जैसे कि कैपेसिटर वाले सर्किट में बताया था वहां पे करंट का चार्ज का फॉर्मेट था, यहाँ पे करंट का फॉर्मेट हो जाएगा करंट चार्ज का फॉर्मेट हो जाएगा ए प्लस बी माइनस टी बाई टाउ। हमारे थ्री अननोन्स है ए बी और टाउ। टाउ को फाइंड करने का जो तरीका है वो जैसे कैपेसिटर में था वैसे ही है, यहाँ पे एल इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट होगा, एल इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट किसके अबाउट, हम वो पॉइंट ढूंढेंगे टाउ फाइंड करने के लिए। इसके लिए क्या, ये दोनों कैसे फाइंड करेंगे, हमें करंट नोन है, आई आई की वैल्यू नोन है कहाँ पे एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, और आई की वैल्यू नोन है t is equal to infinity से। तो ये दो कंडीशन वहां से और tau हम यहां से फाइंड करके करंट का इक्वेशन लिख लेंगे किसी भी लीनियर टाइप के सर्किट में। लीनियर सर्किट मतलब मिक्स ग्रुपिंग ना हो, प्योरली इंडक्टर और प्योरली कैप रजिस्टर को हम निकाल सके एक साइड में। तो यहाँ पे यहाँ ये स्टेप लेते हैं, तो उसमें क्या करना है, बैटरी को रिप्लेस बैटरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ tau, फॉर tau हम ऐसे लिख लेंगे रिप्लेस बैटरी, रिप्लेस बैटरी बाई देयर इंटरनल रेजिस्टेंस विद देयर बाई देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कई जगह पे ऐसे ई और आर कॉमा दे दिया है और रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ ही नहीं किया हुआ है,
तो इसका मतलब, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इस जब बैटरी को हटाएंगे तो यहाँ पे स्मॉल आर कनेक्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया, सेपरेट किया ये दो पॉइंट जहां से प्योरली इंडक्टिव और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट निकाल सकते हैं बाहर। तो ये मान लिया, ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इस ए बी पॉइंट के क्रॉस हमें फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट, आर ए बी फाइंड करेंगे एंड एल ए बी फाइंड करेंगे और उसी से फिर टाउ लिख लेंगे, टाउ इज इक्वल टू एल ए बी बाई आर ए बी। तो ये हमारा इस सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जैसे अगर इसमें देख सोच के बताओ कि अगर बैटरी को तो रिप्लेस कर दिया कंडक्टिंग वायर से, अगर इसमें एल इक्विवेलेंट तो एक ही है, तो ये जो है एल इक्विवेलेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, एल ए बी जो वो है एल, आर इक्विवेलेंट जल्दी से बता सकते हो आर ए बी कितना होगा, आर ए बी अगर, हाँ तो ये बी है, तो ये अगर कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस किया तो ये भी बी है, तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो R by 2 और उसके साथ ये सीरीज में 3R by 2, R equivalent is 3R by 2, 3R by 2, तो जो tau हो जाएगा इस सर्किट का L by R, तो ये हो जाएगा 2L by 3R हो गया इस सर्किट का tau, पहला स्टेप tau फाइंड कर लिया। फिर T is equal to 0 पे current, T is equal to 0 पे I की value 0 ही थी, तो कुछ करना नहीं है इसमें, I is equal to 0 पुट कर देना है, A plus B, A plus B is equal to 0, first equation T equal to 0 put करने से, current is equal to 0, at T is equal to 0, मान लो जिसको समस्या हो कि ये कैसे आ गया चमत्कार, A plus B, T infinity पे, I is equal to maximum, I is equal to कितना, कितना आया था finally, ये इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या कंडक्टिंग वायर हो जाएगा, तो 3R by 2 resistance हो जाएगा, तो E divided by 3R by 2, तो 2E by 3R होगा, वो half half divide हो जाएगा, तो E by 3R करंट आएगी, तो उस मोमेंट पे जो करंट हो जाएगी E by 3R,